हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, मैं हूं बिपिन यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एलिगेशन के बारे में। एलिगेशन का शायद पार्ट 4 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और आगे आप लोग पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आगे का जो क्वेश्चन है आपके सामने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आए हैं। और इसी भी बुक से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मेरा स्टडी मटेरियल है जिससे मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ। और बहुत सारे मित्र हमारे जो कि पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, तो मैं बता दूँ, मैं बिहार से दरभंगा जिला में अभी पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना कोचिंग संस्थान है। तो चलिए आज इसमें काम करते हैं आगे। और हाँ, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना एकदम जरूरी है दोस्तों, वो इसलिए कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि जितने भी वीडियो मैं डालूंगा उस सब का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, दबा लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, घंटी। आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, यानी जल और दूध मिला दीजिए मिलकर है 40 लीटर, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से देखिएगा। फिर भी चलिए मैं इसको बताता हूँ और कुछ बेसिक बातें मैं पहले आपको जानकारी दे दूँ, कुछ बेसिक बातें जो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, तब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ डायरेक्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, रेशियो का मतलब बटा ही होता है, जैसे 6:3 है तो आप इसको 6/3 भी लिख सकते हैं ना, 3 × 2 = 6, 2/1 हुआ, यानी आप इसे 2:1 भी लिख सकते हैं, या आप यहीं पे काट सकते थे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया 2:1। तो रेशियो का ये मतलब होता है, मान लीजिए दोस्तों मिल्क वाटर 2:3 में है, इसका मतलब कि दूध अगर 2 लीटर है तो पानी 3 लीटर है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये 200 लीटर है तो ये 300 लीटर, अगर ये 2000 लीटर तो ये 3000 लीटर, इसका सेंस ये भी होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि 50 लीटर का मिश्रण है कितने का, 50 लीटर का, और 2:3 में है दूध पानी मिलाकर है 50 लीटर और 2:3 में है, तो इसका सेंस ये होता है कि देखिए, अगर आपको निकालना है कि दूध कितना और पानी कितना है तो 2:3 में माने मिल्क कम है और पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा, तो 2 लीटर मान लीजिए कि दूध और 3 लीटर पानी, तो मिश्रण 5 का और रियल में मिश्रण 50 का, तो 5 का वैल्यू 50 हो गया, क्योंकि ये भी मिश्रण और ये भी मिश्रण, दूध पानी मिला दिया तो ये मिश्रण हो गया। 5 का वैल्यू 50, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10। 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 10 × 3 = 30। 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 2 = 20, यानी कि 20 लीटर रियल में दूध हुआ और 30 लीटर पानी हुआ, तो 20 × 30 कितना हो गया, टोटल 50 लीटर। दोस्तों, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 में है, ठीक है, और 50 लीटर मिश्रण है, तो इसमें दूध की मात्रा कितनी, तो देखिए दूध को पहले भाग में निकाल लीजिए, दूध है 2, कुल कितना में, तो 5 में, 2/5 हुआ, यानी 50 का 2/5, 5 × 50 = 50, 10 × 20 लीटर हो गया मिल्क। और वाटर निकालना है तो 50 लीटर मिश्रण है, उसी मिश्रण का 3/कुल कितना में, तो 5 में, 3/5 हुआ वाटर, 5 × 50 = 50, 10 × 30 = 30 लीटर। तो या तो ऐसे कर सकते थे या ऐसे कर सकते थे, बात उतना ही है। चलिए, लेकिन चलिए ये भी बेस्ट तरीका है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि मिश्रण मान लीजिए 100 लीटर का है, मिश्रण है 100 लीटर, और मान लीजिए कि ये 5:3 में है, तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए मिल्क वाटर है तो आप कहेंगे कि मिल्क हुआ भाई 100 का 5/8, मिल्क 5 कुल कितना में, 8 में, काट उठ के जो भी आ जाए, उसी तरह वाटर हो जाएगा
100 का 3/8, क्योंकि पूरा मिश्रण 8 का, तो 3/8 बार। तो इस तरह से 4 दूना 8, 4 से कटा 25 बार, 25 75, 75/2 37.5 लीटर, इसको बोल सकते हैं। ऊपर वाला को भी इसी तरह काट सकते थे, तो चलिए दोस्तों काट ही देते हैं। 4 दूना 8 हो गया, 4 से 25 बार, 25 25 125, 125 को 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 62.5। तो इस तरह से अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन पर। सवाल है, इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी अलग अलग कई तरीके से बताऊंगा, और जो आपको बेहतर लगे उससे सवाल को बना लीजिए। जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो। सोचिए दोस्तों, पहले से जल 10% था और अब जल 20% होने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि कितना जल मिला देंगे कि जल 20% हो जाएगा, कितना पानी मिला देंगे कि नए मिश्रण में जल कितना होना चाहिए, 20%। तो एक बात और याद रखना है दोस्तों, कोई भी मिश्रण है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं कुछ बातें और, कि अगर मान लीजिए आपके पास 30 लीटर दूध पानी है, 30 लीटर दूध पानी है, मिल्क और वाटर मिलाकर है 30 लीटर। अगर हम इसमें पानी मिलाएंगे तो जान लीजिए दोस्तों, पानी की क्वांटिटी बढ़ेगा, मिश्रण की क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन दूध नहीं बढ़ सकता है। सोचिए आपके पास 30 लीटर मिश्रण है और 2 लीटर पानी अगर डालिएगा तो 2 लीटर पानियों की मात्रा बढ़ गया होगा इसमें, और मिश्रण भी 2 लीटर बढ़ जाएगा, लेकिन पानी डाले से दूध नहीं ना बढ़ेगा, और दूध डाले से पानी नहीं बढ़ेगा। दूध डालेंगे तो दूध बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा, पानी डालेंगे तब पानी बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा, लेकिन पानी डालने से दूध नहीं बढ़ेगा और दूध डालने से पानी नहीं बढ़ेगा, ये पक्का। अब एक बात, अगर मान लीजिए किसी बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 में है दोस्तों, और अगर इसमें से आप 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो, ऐसा भी बात होगा, जरूरत होगा अभी हमें, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जल और दूध का मिश्रण है जो 40 लीटर है, और उसमें कितना है, 10% जल है। तो चलिए एक तरीका मैं बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। अभी जल है कितना, इसमें जल है भाई 10%, तो 40 लीटर का 10% कितना होगा भाई, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 2 0 कट गया, यानी 4 लीटर जल है। जल है कितना, 4 लीटर। अब सवाल कहता है इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में 20% जल है। तो मान लेते हैं कि पानी 1 लीटर मिलाया जाए, तो जल अभी 4 लीटर था, अब नया जल की मात्रा कितना हो जाएगा, नया जल की मात्रा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 लीटर है और कहता है कै लीटर मिलाइएगा, कै लीटर पानी और मिलाइएगा कि 20% जल हो जाएगा। तब मान लेते हैं 1 लीटर मिलाएंगे, तो 4 लीटर मेरे पास पहले से जल है, आ 1 लीटर मिलाएंगे तो 4 + 1 लीटर हो जाएगा अब नया पानी की मात्रा, यानी जल की मात्रा। तो अब इसी का प्रतिशत निकालना है कि 20% हो जाना चाहिए दोस्तों। एक बात, तो नया मिश्रण भी कितना का हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जल या दूध या कुछ भी डालिए तो पानी डालिएगा तो पानी बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा, उसी तरह यहाँ मिश्रण भी बढ़ेगा। 1 लीटर पानी मिलाए हैं तो पहले से मिश्रण 40 का था, पहले से मिश्रण 40 का था, अब 40 + 1 का मिश्रण हो जाएगा। तो अब इस पानी का प्रतिशत निकालना है इस मिश्रण के रिस्पेक्ट में, 20% होना चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे 4 + 1 पानी हुआ इतना, कुल कितना में, तो 40 + 1 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, और ये कितना प्रतिशत होना चाहते हैं आप, 20, तो 20 लिखिए। अगर आप चाहते, ये 20%, यहां भी प्रतिशत 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 कट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 30% होता है, यहां 30 लिखिए, 40% हो तो 40 लिखिए। अब 100 चल जाएगा बट्टा में, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 1 / 40 + 1 बराबर हो जाएगा 1/5, क्योंकि 100 बट्टा में चल जाएगा, 20 25 100 कट जाएगा। अब ये क्रॉस गुना होगा दोस्तों, तो क्रॉस गुना होके क्या हो जाएगा भाई,
तो क्रॉस गुना होके हो जाएगा इधर 5 चौका 20 प्लस 5x और बराबर उधर 1 से गुना हो जाएगा उधर, तो 40 प्लस x हो जाएगा। अब आ जाइए, x वाला इधर आके घटा तो 4x हुआ और 20 उधर जाके घटा तो 20 हुआ, 4 5 20 यानी आंसर होगा x का वैल्यू 5, यानी 5 लीटर हमें पानी मिलाना होगा। दोस्तों एक तो तरीका ये हुआ। चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं इसका। दूसरा तरीका क्या है? बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे बना सकते भाई? तो बाई ऑप्शन हम ऐसे बना सकते हैं। सवाल कह रहा था कि जल और दूध के मिश्रण में आयतन है 40 लीटर, इसमें 10% जल है। तो जल तो हमें पता चल गया कि 40 लीटर का 10% जल है, तो 40 का, यहां ध्यान दीजिएगा, 40 का 10% 4 लीटर हो गया। तो 4 लीटर जल है, कहता है कितना जल मिला देंगे कि 20% जल हो जाएगा, कितना पानी और मिला दे कि जल का प्रतिशत 20 हो जाए। तो हम मान लेते हैं जब पूछेगा कि कितना पानी मिलाएं, ता नीचा जो 4 गो ऑप्शन होगा वह में ना होगा वो, तो ऑप्शन में से धके रगड़ दीजिए। 4 लीटर पानी है ये है, अब मान लेते ऑप्शन ए कहता है कि 4 लीटर मिलाइए ना तो हो जाएगा 20%, क्योंकि 20% हमको जल चाहिए। तो 4 लीटर मिलाएंगे, आ 4 लीटर पहले से है तब पानी हुआ 8। आ सोचिए दोस्तों, 4 लीटर अगर पानी मिलाइएगा, आ मिश्रण पहले से था आपका 40 का, तो 40 आ 4 हो गया 44, प्रतिशत मिला के देखिए क्या ये 20% होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 4 से 11 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में, ऊपर हो गया 200/11, कभी 20 नहीं आने वाला है, ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, 5 लीटर मिला के, तो 5 लीटर मिलाएंगे दोस्तों, 4 लीटर पानी पहले से था, 5 लीटर मिलाएंगे तो 9 लीटर होगा और मिश्रण हो जाएगा 40 आ 5 45 का, क्योंकि 45 आ 5 मिलाए तो 45 हो गया और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 9 5 45, 5 से कटा 20 बार में, हो गया ना 20%, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। अब चलिए हम आपको इसका तीसरा मेथड बता रहे हैं, इस तीसरे मेथड से इस सवाल को कैसे बनाना है। दोस्तों ध्यान देना है, जल, सवाल में बोला गया था कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाएं जिससे नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। अच्छा पहले 40 लीटर है, कहता है कि कितना इसमें कितना मिलाइएगा पानी कि जल हो जाएगा 20%। तो हम मान लेते हैं 1 लीटर मिलाएंगे, तो नए का मिश्रण तो 40 प्लस x का हो जाएगा। अच्छा पहले वाला में सोचिए, जल पहले था 10%, अब जल होगा 20%। इस पूरे सवाल में पानी मिलाने का चर्चा हुआ है दोस्तों, तो पानी मिलाएंगे तब पानी के क्वांटिटी ना बढ़ेगा, दूध के क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा, यानी दूध पहले जितना था ना अभी उतने होगा, लेकिन दूध पहले था 10%, सॉरी पानी था, सवाल में बोला है कि जल 10%, तो 40 लीटर का 10% था जल, तो 40 का 90% क्या होगा? 40 का 90% दूध होगा। और अब है 20% जल, तो अब का 80% तो अभी भी दूध होगा, और अभी वाला दूध और पहले वाला दूध आपस में क्या होगा? बराबर, क्योंकि हमने पानी मिलाया है तो दूध तो बराबर ही रहेगा, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा दोस्तों, और भी कट सकते हैं, 8 5 40, ये 9 5 45 हुआ इधर, और उधर है 40 प्लस x, ये 40 आके घट गया तो 5 हो गया, x बराबर 5, डायरेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पानी मिलाएंगे ना तो दोस्तों देखेंगे कि जो नहीं मिलाए वो तो इक्वल होना चाहिए, इस तरह से बनाएंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और आइए अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहां आप समझ जाइएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इस सवाल में, ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, अशुद्ध है ये, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। दोस्तों मिलाना है इसमें शुद्ध, तो शुद्ध मिलाइएगा तो शुद्ध वाला बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा लेकिन अशुद्धता नहीं बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अशुद्धता पहले जितना था अभी भी उतने रहेगा मात्रा में, तो 50 लीटर पहले था मिश्रण, 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला है, तो कितना शुद्ध वाला मिला है, तो मान लेते हैं 1 लीटर मिला है, तो नया मिश्रण हो जाएगा हमारा 50 प्लस x का। अब आ जाइए दोस्तों, अब सवाल कहता है ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5%, पहले है अशुद्धता कितना 20%,
अब अशुद्धता कितना 5%। और एक बात, आपने तो शुद्ध वाला मिलाया, तो शुद्ध वाला मिलाया तो शुद्ध वाला के क्वांटिटी में वृद्धि हुआ होगा, अशुद्ध वाला का नहीं। तो यानी कि अशुद्ध का पहले भी दिया हुआ, अभी भी दिया हुआ है, तो पहले अशुद्ध था इतना का 20%, अब अशुद्ध हो गया इतना का 5%, और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि हम शुद्ध मिलाए हैं तो अशुद्ध बराबर होगा, शुद्ध मिलाए हैं तो शुद्धता बढ़ेगा अशुद्धता नहीं बढ़ेगा, इसलिए अशुद्धता दोनों तरफ निकाल के इक्वल किए। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, चलिए 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 चौका 20, अब ये 50 चौका 200, ये 50 आ गया, 200 में से घट गया तो 150 बराबर x, डायरेक्ट आंसर। दोस्तों क्या आसानी से समझ में आया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए मित्रों, सवाल है 75 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध पानी से अनुपात 1:2 हो जाए, दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। कहता है 75 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है, पहले से 75 लीटर यहां दिया हुआ है कि 75 लीटर, ध्यान दीजिएगा 75 लीटर मिश्रण में दूध पानी से अनुपात 2:1 है, मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 है 75 लीटर में, और अब सवाल कहता है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी से अनुपात 1:2 हो जाए, मिल्क वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मिलाने के लिए क्या बोला जा रहा है, पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, नहीं पानी मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं 1 लीटर मिलाया जाए, तो पहले का मिश्रण 75 था, अब हो जाएगा 75 + x का, अब आ जाइए क्योंकि 1 लीटर हमने पानी मिलाया तो मिश्रण भी 1 लीटर बढ़ गया, और मिलाए हैं पानी तो दूध नहीं ना बढ़ेगा, दूध नहीं बढ़ेगा, तो पहले दूध कितना, तो दूध हुआ 2 कुल कितना में 3 में, तो 75 का 2/3, आ अब दूध कितना तो 1 कुल कितना में 3 में, तो दोनों तरफ दूध इक्वले रहेगा क्योंकि पानी मिला है, तो दूध पहले जितना था दूध अभी भी उतने होगा। अब लीजिए 3 से 3 कट गया, ये 75 दूना 150, ये 75 आके घट गया तो फिर 75 हुआ बराबर x, यानी 75 लीटर पानी मिलाना होगा। दोस्तों अगर आप इस टेक्निक को समझ गए हैं तो बहुत कम समय में आप सवाल को बना लेंगे। चलिए और दूसरा टेक्निक हम इसका बता देते हैं। सवाल था कि 75 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है, मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 में 75 लीटर में, तो 75 लीटर मिश्रण हुआ, तो मिश्रण हुआ यहाँ 2 × 1 = 3 का, और रियल में मिश्रण 75 का, तो दोनों आपस में बराबर क्योंकि ये भी मिश्रण और ये भी मिश्रण, 3 का वैल्यू 75 तो 1 का वैल्यू कितना 25, 1 का वैल्यू 25 तो यहाँ भी 1 का वैल्यू 25 और यहाँ 25 × 50, आप समझ गए कि 50 लीटर दूध है 25 लीटर पानी है। कहता है कितना पानी मिला दे ताकि दूध पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, बाद में बोल रहा है कि मिल्क वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए, कितना पानी मिला दे, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए 50 बटा इसको 25 लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टे होता है, कितना पानी मिला दे, तो हमने माना 1 लीटर पानी मिला दे, पानी नीचे है इसलिए पानी एक्स पानी में प्लस किए, उसमें नहीं दूध में नहीं किए, तो 1 लीटर मिला देंगे तब दूध पानी का रेशियो 1:2 हो जाएगा, 1:2 माने 1/2, अब क्रॉस गुना होगा दोस्तों, ये 50 दूना हुआ 100 और उधर गुना हो गया तो 25 + x, 25 आके घट गया तो 75 = x हो गया, x का वैल्यू 75 लीटर। चलिए बहुत ही इजी, और बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब सवाल दिख रहा होगा आप लोग को, प्रश्न क्या कहता है, एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो 3:5 का अनुपात हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है, मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 2:1, अब कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो 3:5 का अनुपात हो जाता है, 3:5 हो जाता है बाद में मिल्क वाटर, ऐसा कब होता है जानते हैं दोस्तों, 10 लीटर मिश्रण निकाला
उतने पानी डाला। अब देखिए देखिए, निकाला तो मिश्रण आ डाला है पानी, बड़ा समस्या। निकाला मिश्रण आ डाला पानी, तो सुनिए वृद्धि पानीय में होगा आ निकला दुन्नो। तो दिमाग लगाइए कि पहले से एक मिश्रण में दूध पानी के बीच 2:3 का अनुपात है, 2:3, सॉरी यहाँ 2:3 का अनुपात है। तो 2:3 का अनुपात है दोस्तों, यानी कि दूध कम है और पानी ज्यादा है। तो 10 लीटर अगर आप मिश्रण निकालिएगा, 10 लीटर मिश्रण, तब बाल्टी में जो ज्यादा होगा वो ज्यादा निकलेगा, जो कम होगा वो कम में निकलेगा। तो दूध कम है तो कम निकलेगा, पानी ज्यादा है तो पानी ज्यादा निकलेगा। अगर 2 लीटर दूध निकलेगा तो 3 लीटर पानी निकलेगा, क्योंकि इसी रेशियो में तो मौजूद है। तो 4 लीटर अगर ये निकलेगा तो 6 लीटर निकलेगा, हो गया 4 6 10, यानी 4 लीटर ये और 3 लीटर पानी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पानी मिल्क निकलेगा कितना, आप 10 लीटर मिश्रण निकालिएगा तो 10 का 2/5 भाग निकलेगा, क्योंकि जिस रेशियो में बाल्टी में दूध मौजूद होगा उसी रेशियो में ना बाहर आएगा। दूध ज्यादा होता तो ज्यादा निकलता, और दूध कम है तो कम निकलेगा। 5 × 10 यानी 2 × 4 लीटर निकलेगा मिल्क, और वाटर निकलेगा कितना जानते हैं दोस्तों? 10 लीटर मिश्रण निकल रहे हैं तो 10 का 3/5 भाग, 10 का 3 कुल कितना में, तो 5 में, 5 × 10, 3 × 6 लीटर निकलेगा। अब आ जाइए दोस्तों, अब क्या करना है, जब 2 गो रेशियो है, पहले वाला रेशियो में 1 सटा लीजिए, और सवाल को अब बनाने का तरीका देखिए कि 2x/3x लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है। 4 लीटर निकलेगा मिल्क तो 4 लीटर मिल्क में माइनस हुआ, 6 लीटर निकलेगा पानी तो 6 लीटर इसमें माइनस हो गया पानी में, और उसके बाद 10 लीटर पानी फिर डालेंगे, क्योंकि 10 लीटर मिश्रण निकाले तो 4 लीटर आई, 6 लीटर निकला तो 10 लीटर निकल गया। अब कहता है पुनः 10 लीटर पानी डाल दिया गया, तो पानी नीचे ना है तो इसमें 10 प्लस हुआ। तब कहता है कि निकालने और डालने, निकालने डालने के बाद हो गया है रेशियो 3/5, 3:5 यानी 3/5। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना है भाई, हल कर देना है इसको, क्रॉस गुना करिएगा दोस्तों। ये हो गया आपका 5 × 10 x, आई 5 × 20 बराबर हो गया। अब देखिए 36 18 x, आई 10 में से 6 चला गया तो 4 3 12 हो गया। अब आ जाइए 18 इधर आके घट गया तो -8 x हो जाएगा, -20 उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ कहीं मिस्टेक हो गया। चलिए 3 3 9 ना, ये 3 3 9 x है दोस्तों, तो इधर आके घट गया तो 1 x हो गया, ये 9 आके 10 में से, यहाँ 3 3 9 था और ये ठीक है 4 3 12। अब देखिए 20 उधर जाके तो प्लस हो जाएगा, 20 12 कितना हो जाएगा, -20 उधर प्लस 12 तो 32। यानी अब क्या कहता है, प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा तो 2x और 3x, मिश्रण हो गया 5x का प्रारंभिक मात्रा दोस्तों, मिश्रण जो हुआ 2 और 3 कितना हुआ 5x का, और 5 और x का वैल्यू है 32, तो 32 × 5 160 लीटर, 160 लीटर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, पहले तो मैं इस बुक से आपको क्वेश्चन देता था, लेकिन मुझे लगता था कि उसमें लिख नहीं पा रहा है इस बुक से, तो फिर मैंने लिख कर और प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को सिखाऊं किसी भी तरह। आइए, 50 लीटर के दूध एवं पानी के मिश्रण में 2:3 का अनुपात है, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो अंत में दूध पानी के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, 50 लीटर के दूध पानी के मिश्रण में 2:3 का अनुपात है, दूध पहले पानी बाद में बोला, 2:3 में है, 50 लीटर है, तो हम समझ गए होंगे ये 20 होगा और ये 30 हो गया, 50 हो गया। कैसे भाई? तो देख लीजिए, मिश्रण हुआ 2 3 5 का, और रियल में मिश्रण है 50 लीटर का, तो 5 का वैल्यू 50, तो 1 का वैल्यू 5 × 50, 5 से भाग देंगे, 1 का वैल्यू 10, 3 का वैल्यू 10 = 30 लीटर, और 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू 10 × 20। अब सवाल कहता है, कहता क्या है जानते हैं दोस्तों,
अब सवाल कहता है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। सोचिए, मिल्क वाटर तो 2:3 में था, 10 लीटर निकालिएगा इसका क्या मतलब? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि 10 लीटर अगर निकालेंगे तो, अगर ये मान लीजिए मिल्क और वाटर 2:3 में था, तो ये 2 लीटर निकलेगा तो ये 3 लीटर, ये निकलेगा अगर 4 लीटर तो ये निकलेगा 3 दुना 6, जैसे इसको भी दुगुना किए तो इसको भी दुगुना, तो ये 6 लीटर निकलेगा, ये 4 लीटर निकलेगा। तो पहले मिल्क था 20 लीटर, वाटर 30 लीटर, तो 20 30 50 हो गया। अब अगर हम 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो हमारा 4 लीटर यहां निकल जाएगा कौन? मिल्क। और 6 लीटर निकल जाएगा कौन? पानी। तो अब देखिए, 30 में से हमारा 6 चला गया तो कितना हो गया? 24। और 20 में से 4 चला गया तो कितना हो गया? ये 16। अब सवाल कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो 10 लीटर मिश्रण निकाला था और उतना ही पानी डाला, तो यानी 10 लीटर फिर पानी में प्लस हो जाएगा, लेकिन मिल्क उतना ही रह जाएगा क्योंकि 4 लीटर निकल गया, तो 16 रह गया, तो 16 रह गया। और ये देखिए, 24 और 10 कितना हो गया? 34। तो अब इसको काट भी सकते हैं, अनुपात पूछा है। अब 16 लीटर दूध है, 34 लीटर क्या है? पानी है, तो इसका रेशियो 8:17 का, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। यहां दिखा नहीं दोस्तों, चलिए यहां देख लीजिए, 4 लीटर, 20 में से 4 निकला तो 16, और 30 में से 6 गया, क्योंकि 4 लीटर दूध निकला, 6 लीटर पानी, 10 लीटर मिश्रण निकालने पर 4 6 10, तो 4 ये निकला, 6 ये निकला, तो 20 में से 4 गया ये 16 हो गया, 30 में से 6 गया तो ये 24 हो गया। अब कहता है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दे, तो 10 लीटर पानी डालेगा तो पानी ही बढ़ेगा ना, तो 24 10 हो गया 34, आई रह गया 16 ही। अब इसका रेशियो कितना हो गया? 8:17। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आसानी से आप लोग को समझ में आया है, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको मैथ सिखाई दें। तो देखिए दोस्तों, एक बात और, लगभग चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, सबका बेसिक क्लास, पहला क्लास जो होता है, तो सारे का वीडियो देखिए, और सब चैप्टर का फिर मैं अब लेवल ऊपर बढ़ाते जाऊंगा, हर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन का लेवल हाई होते चला जाएगा, और आप शुरू से देखते जाएंगे सारे वीडियो को, शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, शुरू शुरू में आसान क्वेश्चन होगा, थोड़ा फिर लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, और इस तरह से आप बहुत अच्छा से मैथ को सीख सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए।